जिस तरीके से आज सड़कों पर हमारे भारत की सड़कों पर 18 लोगों की एक घंटे में मौत हो रही है, उनमें से 6 लोग उन लोग की मौत होती है जो सड़क पर हेलमेट नहीं पहने होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से हमने 2019 में 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का जो कानून पास हुआ, और मैं पिछले 9 साल से भारत की सड़कों पर हेलमेट बांट रहा हूँ, लेकिन इन बच्चों का भविष्य बचाने के लिए आज मैंने माउंट कार्मेल स्कूल के पास इसीलिए बच्चों को हेलमेट दिया ताकि भविष्य में वो योद्धा बन सके। और हर पेरेंट्स अपील किया कि आप अपने बच्चों को अभी से जो शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं उनकी सुरक्षा के पीछे भी भागिए, क्योंकि भारत की सड़कें सड़क दुर्घटना में मौत से लाल हो रही है। और उसी चीज़ का संदेश देते हुए उन्हें आज मैंने जागरूक किया। 2014 में हाँ, मेरे एक मित्र था कृष्ण कुमार ठाकुर झंझारपुर से, और अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और सड़क पर हेलमेट ना लगाने की वजह से उसकी मौत हो गई। और तब से मैंने शपथ लिया कि किसी भी माँ का मैं कोख उजरने नहीं दूंगा। और इसलिए सड़कों पर भारत के 22 राज्यों में अभी तक 56,000 से अधिक हेलमेट बांट चुका हूँ, और उनमें से मैं बड़ा खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं 30 लोगों की जिंदगी बचाने में मुझे सफलता भी मिली है। और वो आज मिशन आज भी आज सड़कों पर जारी है। अवार्ड तो बहुत सारे मिले हुए हैं, बहुत सारे सराहना भी वो चीज़ें मिल चुकी है, चाहे भारत सरकार नितिन गडकरी जी से बात करूँ, बॉलीवुड से, मुझे एक्सीलेंस अवार्ड से भी वो चीज़ें कई जगह, अब यूनाइटेड नेशन भी मुझे आमंत्रित कर रहा है। देखिए, मैं दुनिया को एड्रेसिंग कर रहा हूँ ताकि ये पता चले कि भारत में किस तरीके से आज मौत विश्व में नंबर वन है। और आज मैं एक युवा होकर के आज यूएन तक पहुंच रहा हूं, तो भविष्य में हमारे भारत के बहुत सारे युवा और पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक इस युद्ध के अंदर एक शामिल होंगे और आगे भी दुर्घटना को रोकने का प्रयास करेंगे।